तरह से दसवीं चीज़ जो है फहाशी और वायलेंस, जो टीवी की शक्ल में हमारे घरों का हिस्सा बना हुआ है, या ऐसे मकड़ी के जाले हैं जो अच्छे अच्छे झाड़ू से नहीं निकलते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। माँ बाप जो हैं बच्चे, माँ और बाप, बाप ने न्यूज़ के लिए लाया, अब घर में न्यूज़ के लिए रख दिया, अब वो कब न्यूज़ देखता है, उसको बेचारे को टाइम ठीक से मिलता भी नहीं है। लेकिन दिन भर बीवी भी देखती है घर के ऊपर टेलीविज़न में बहुत सारे सीरियल्स और न जाने फिल्में और क्या क्या, और फिर बच्चा भी आता है वो भी टीवी लेके बैठ जाता है, कभी मारपीट हो रही है उसके अंदर, कभी कत्ल हो रहा है, कभी बेहयाई उसमें आ रही है, लड़की देख रही है, लड़का देख रहा है, सब फैमिली मिलके देख रही है, उनके मिजाज में बेहयाई और अग्रेशन और वायलेंस कैसे नहीं पैदा होगा? होगा, क्योंकि जो बच्चा देखता है वो ऑडियो विजुअल इफेक्ट आदमी के जहन को बहुत मुतासिर करता है। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें जो रोल मॉडल दिखाए जाते हैं बच्चा वैसी बनने की कोशिश करेगा। आप उनके सामने अबू बकर, आपने सुना उनके सामने अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली और बाकी सहाबा हैं, आप उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रहे ही नहीं उनके सामने, लेकिन आप टीवी उसको दे दिए हो, आपने सारे स्पोर्ट्समैन, सारे फिल्म स्टार और न जाने कितने बेहया किस्म के लोग, बेगैरत लोग, उन सब को देख रहा है, वो वैसा बनने की कोशिश करेगा। टेलीविज़न से अपने बच्चों को बचाएं, कंप्यूटर पर आप उनको एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाएं, कोई मसला नहीं, ऐसे साइंटिफिक चीज़ें जो आपके बच्चे के लिए मुफीद हों आप बताएं, लेकिन गाने, नाच, गाना और फिल्में और इस तरह की बेहुदा चीज़ें आप उनको ना दिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैनु तज़नी वल क़ल्बु यज़नी फ़ज़ीन अलैनी अन्नज़र वज़ीन अल-क़ल्ब अत-तमन्नी, निगाह भी ज़िना करती है और दिल भी ज़िना करता है। ज़िना जिसको आप अडल्ट्री कहें, ये जो चीज़ है निगाह से भी होता है और दिल से भी होता है, और आँखों का ज़िना देखना है, गंदी चीज़ों को देखना है, और दिल का ज़िना उन गंदी और बेहयाई की चीज़ों की तमन्ना करना है। ज़ाहिर बातें गलत बातें देखकर उसकी तमन्ना पैदा होगी, इसलिए कि दिल निगाह के ताबे होता है। लिहाजा आप बच्चों के दिल की हिफाजत करना चाहते हैं तो आप उनकी निगाहों की हिफाजत करें, अपने घर को गंदी चीज़ों से आप पाक रखें। ये चीज़ें बच्चों के सिलसिले में बुरी बातें हैं जिससे पाक करना चाहिए।